जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अभी भी कोरोना के खतरे से जूझ रहा है। 2020 में हमने कोरोना की प्रथम लहर का सामना किया और उसके बाद 2021 में कोरोना की दूसरी लहर को भी हमने झेला और बहुत से लोगों ने इस लहर में अपनी जानें गंवाई। और इन्हीं आशंकाओं के बीच कोरोना की तीसरी लहर आने की भी आशंका बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन जो केसेज हैं कुछ राज्यों में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी आशंकाओं के बीच जो है एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है और यह खबर आ रही है KGMU, SGPGI लखनऊ और ICMR के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार। जी हाँ, इन तीनों संस्थानों ने मिलकर एक सर्वे किया है जिसके अनुसार यह बात सामने आ रही है कि बहुत से लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है और उनमें बहुत ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ देखने को मिल रही है। और ऐसे बहुत सारे जो रिसर्च हुए हैं, सर्वे हुए हैं और उसके हिसाब से यह जानकारी सामने आ रही है। अभी KGMU के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वहाँ पे कार्य करने वाले जो चिकित्सक हैं और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके बीच एक सर्वे कराया गया था और उसके अनुसार जो टोटल यहाँ पे 2000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उस सर्वे में और उनकी जांच की गई। इस सर्वे में 1400 पुरुषों ने और 600 महिलाओं ने भाग लिया और उनमें एंटीबॉडीज़ की जाँच की गई और इन 2000 स्वास्थ्यकर्मियों में से 90% से भी अधिक में एंटीबॉडीज़ देखने को मिली। पुरुषों में जहां यह आंकड़ा 95% के आसपास था, वहीं महिलाओं में 70% के आसपास था। इस तरीके से अधिकांश लोगों में जो है एंटीबॉडीज़ देखने को मिल रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा भी एक सर्वे किया गया था SGPGI के सौजन्य से और इस सर्वे के अनुसार देखा जाए तो जो प्रदेश में जो 5 से 18 साल तक के बच्चों पर सर्वे किया गया था उसमें 50 से 60% तक के बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, यानी कि उनमें एंटीबॉडीज़ देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है हमारे लिए काफ़ी अच्छी है और एक सुखद एहसास देने वाली है कि अधिकांश बच्चे जिनकी की संभावना जताई जा रही थी कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे और ऐसे में जो सर्वे किया गया है इसमें 50 से 60% बच्चों में एंटीबॉडीज़ देखने को मिली, तो ऐसे में देखा जाएगा तो तीसरी लहर की आने की आशंका बहुत ही कम है, क्योंकि अधिकांश लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, उनमें एंटीबॉडीज़ देखने को मिल रही हैं। तो कोरोना संबंधी जो भी अपडेट होंगे इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।